हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, आपकी फैमिली भी सेफ होगी और अच्छे से होगी। दोस्तों, मैं आपका फिर से आज की फ्रेश वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं कि गोवा में अभी किस जगह पे वैकेंसीज आई है, किस फील्ड की वैकेंसीज आई है। अगर आप लोगों को अभी तक जॉब नहीं मिल रही है, अगर आप किसी अदर स्टेट से हो, तो गोवा कैसे आके इजिली यहाँ पे अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर वैकेंसी से रिलेटेड आप लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे आज की वीडियो में कि आप गोवा में कैसे आके बहुत अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल को आगे फ्यूचर तक के लिए ले जा सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गोवा में अभी सीजन का टाइम है, मतलब पूरा जो है गोवा भी पूरा फुलफिल हो चुका है टूरिस्ट से। तो अगर आप लोग भी घूमने आ रहे हैं तो इस टाइम पे आप बिल्कुल, अब मैं प्रेफर करूंगा कि इस टाइम पे जरूर आएं, क्योंकि इस टाइम पे जो यहाँ का माहौल होता है काफी देखने लायक होता है। काफी अच्छे अच्छे जो रिसॉर्ट्स हैं वो जो है काफी सजावट से जो होता है, पूरा आपको मजा आने वाला है यहाँ पे अगर अभी आप आते हो। थोड़ा सा अगर आपका बजट अच्छा है तो आप किसी अच्छी जगह पे रुक सकते हो, अगर आपका बजट कम है तो भी आप यहाँ पे आके इजिली घूम सकते हो, साथ ही साथ यहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हो। तो पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप एज ए टूरिस्ट आना चाहते हो तो आप गोवा में कैसे आ सकते हो। दोस्तों, अगर आप एज ए टूरिस्ट गोवा में आना चाहते हो तो आप बाय फ्लाइट या बाय ट्रेन जा सकते हो। अगर आप बाय फ्लाइट आते हो तो आपका जो एयरपोर्ट है वो है डेवोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि नॉर्थ गोवा से 40-45 किलोमीटर दूरी पे है। ठीक है, इस बीच में अगर आप स्टे पंजी में करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, या फिर आप साउथ गोवा जो है अगर आप एक दो दिन का टूर आप करते हो तो काफी अच्छा आपको यहाँ पे माहौल देखने को मिलेगा। काफी अच्छे अच्छे बीचेस हैं, रिसॉर्ट्स हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जिसके लिए वीडियो मैंने बनाई है, सबसे पहले जॉब से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि जॉब अभी इतना बड़ा जो क्राइसिस चल रहा है इंडिया में, जब से कोरोना आया है तो जॉब जो है काफी लोगों की चली गई है, या फिर कुछ लोग हैं जो स्विच करना चाहते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल देख के स्विच करना चाहते हैं या फिर अपने मेंटेलिटी लेवल जो कंपनीज की होती है उसके बारे में देख के अच्छी अच्छी कंपनीज को ज्वाइन करते हैं। दोस्तों, अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो गोवा में अभी वैकेंसीज जो आई है वो आई है हाउसकीपिंग एसोसिएट्स की। ठीक है, इसके लिए जो है हाउसकीपिंग जो लेवल एक होता है, एसोसिएट्स एक थोड़ा एक हाई लेवल होता है। ठीक है, इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है 12th पास। कम्युनिकेशन स्किल जो है दोस्तों वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, इवन आपको इंग्लिश में जो है बात करना आना चाहिए, इवन जो अगर आप किसी कस्टमर से डील करते हो तो आप उसको कन्विंस कर सको। ठीक है, तो ये सब आपके पास एक जो इनबिल्ट होता है ये आपको होना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे कि किस जगह पे वैकेंसीज निकली है। ये निकली है नॉर्थ गोवा में होटल ग्रैंड हयात में। ठीक है, काफी बड़ा एक फाइव स्टार होटल है ये, और इसकी जो चेन है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड में है। तो अगर आप गोवा आ रहे हो, अदर स्टेट से आ रहे हो, तो आपको डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होंगे वो आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट, ये तीन डॉक्यूमेंट कंपलसरी है। प्लस अगर आप इस टाइम आ रहे हो तो आरटीपीसीआर की जो रिपोर्ट है कोविड की वो आपके पास होनी चाहिए 72 आवर्स से तक में। ठीक है, तो जब भी आप ज्वाइन करोगे किसी भी कंपनीज में या किसी भी होटल्स में इस टाइम पे, तो ये आरटीपीसीआर आपसे कंपलसरी लिया जाएगा। ठीक है, बाकी आप गोवा में भी आके टेस्ट करा सकते हो अपना, और अगर आप किसी अदर स्टेट से आ रहे हो तो भी आप करा सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। और ज्यादातर अब तो हर जगह पे फ्री हो गया है कोविड-19 का टेस्ट, तो आप अपने सरकारी अस्पताल में जाके वहां पे आप करा सकते हो ये सारी चीजें। अब बात करेंगे सैलरी की, वर्किंग टाइम की, कैसा यहाँ का माहौल है। सैलरी की बात करूँ तो काफी अच्छी खासी आपको सैलरी मिलने वाली है, डिपेंड करेगी आपके इंटरव्यू परफॉर्मेंस पे। अगर आप फ्रेशर हो तो आप फ्रेशर के लिए रिज्यूम जरूर अपलोड करना, आगे बताऊंगा कि कैसे अपलोड करना है, कहाँ पे अपलोड करना है। और अगर आपको एक्सपीरियंस है किसी भी बिग प्रॉपर्टी में काम किया हो आपने, फाइव स्टार की, या फिर किसी छोटे मोटे रिसॉर्ट्स में काम किया हो, तो इन जगह पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर लेके आना, और यहाँ पे आप दिखा सकते हो। यहाँ पे इसके भी यहाँ पे आपकी सैलरी है काफी अच्छी, हाइक पे आप जा सकते हो। बात करेंगे नॉर्थ गोवा में जो और किस किस वैकेंसीज पे अभी हायरिंग आने वाली है। दोस्तों, कैसीनोज में हायरिंग अभी आ जाएगी कुछ दिनों में ही, तो मैं आप लोगों से वीडियो शेयर कर दूंगा। बाकी अभी ग्रैंड हयात होटल में जो है वैकेंसीज आ चुकी है। जो लोग भी यहाँ आना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, आप वहां जाके अपना सीवी सेंड कर दो। और अकोमोडेशन से रिलेटेड कई सारे मैसेज आए थे व्हाट्सअप पे मुझे, तो दोस्तों अकोमोडेशन से रिलेटेड जो लोग भी अभी गोवा आ रहे हैं, तो देखिए अगर आप एज ए टूरिस्ट आ रहे हैं तो अभी आपको होटल्स में स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप जो ज्यादातर होटल्स हैं अभी वो पूरे फुल हैं, और यही आप जैन फैब के बाद आते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा कम बजट में आपको इजिली होटल्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, अकोमोडेशन के लिए साउथ गोवा सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ नियरेस्ट जो इंडस्ट्रियल एरिया वो है वैरना, यहाँ पे कई सारी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं। अगर आप होटल्स में भी जॉब करते हैं साउथ गोवा में तो आपको इजिली वहाँ पे अकोमोडेशन मिल जाएगा अभी, बट नॉर्थ गोवा में जो है अकोमोडेशन आपको जो है
ये प्रेफर जो है मैं नहीं करूंगा कि आपको कंपलसरी मिल जाएगा, बट इस जॉब में जो है अकोमोडेशन और फूड जो है वो आपको मिलने वाला है। शिफ्ट टाइमिंग की बात करो दोस्तों, 8 घंटे की जॉब टाइमिंग है, 3 शिफ्टों में काम किया जाएगा। हाउसकीपिंग का काम जो होता है 24x7 होता है, तो इसलिए 3 शिफ्टों में काम यहाँ पे आपको करने का मौका दिया जाएगा। सैलरी की बात करें तो अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, शिफ्ट टाइमिंग 3 शिफ्टों में काम होता है। डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका बैंक अकाउंट, ये 3 डॉक्यूमेंट कंपलसरी है अगर आप यहाँ आ रहे हो। तो जिन लोगों को भी अप्लाई करना है अदर स्टेट से, अगर आप यहाँ आ रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आईडी, आप वहां जाके सीवी सेंड कर सकते हो। अकोमोडेशन से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा इन्फॉर्मेशन। और जिन लोगों के अभी तक कमेंट्स आए हैं उनका रिप्लाई अगर आप लोगों तक नहीं पहुंचा है तो जल्दी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सारे क्वेश्चन का रिप्लाई मैं दे सकूं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर करना अपने उन लोगों से जो भी जॉब सर्च कर रहे हैं अदर स्टेट से या गोवा के जॉब करना चाहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में दोस्तों, थैंक यू।